आप शायर थे, अभी भी हूँ ये रिकॉर्ड पे रखेंगे बार बार वीरू शायर, क्योंकि मुझे बहुत क्रिकेटरों ने कहा है कि वीरेंद्र सहवाग की बात नहीं सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रेसिंग रूम में, क्योंकि ये कुछ भी कह देते हैं उससे लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अनिल कुंबले ने बताया कि एक बार अच्छा खासा मेरा 100 होने वाला था, मैं बैटिंग कर रहा था, उतने में सहवाग आ गए ड्रिंक्स इंटरवल में, उन्होंने क्या अनिल पाजी क्या कर रहे हो, मारो ना यार फर्क नहीं पड़ता। अनिल कुंबले ने कहा मैंने बात उसकी सुन ली, नेक्स्ट बॉल आउट। सर सेंचुरी थी यार उनकी, एक तो कर दी उन्होंने ओवल पे और वो आई थिंक 100 रन डाइव मार के, बिल्कुल वो सीरीज में मैं नहीं था, मैं टीवी में देख रहा था। बट ये तो क्रिकेट वाली बातें हुई, अभी तो पोस्ट रिटायरमेंट आप कुछ काम करते ही होंगे, और मैंने रिसर्च किया है कि आपके घर में आपके घर में लोग बोलते हैं कि सचिन तेंदुलकर जो कुछ दिख गया रिपेयर करने लग जाते हैं, तो पंखा हो गया, लाइट हो गया, फिर क्या उसको पहले ड्रेसिंग रूम में होता था कि ग्लव हो गया, थाई गार्ड हो गया, बैट हो गई, किसी के जूते कहीं से फटे तो वो चिपका देना और सब, आई यूज्ड टू एंजॉय दैट। अच्छा, मगर उसके बाद अभी घर में इतना टाइम कभी कभी मिल जाता है कि ढूंढ रहा होता हूँ कि क्या है। बट हाउसकीपिंग वाले स्टाफ वाले बोलते हैं हम पाजी जब घर पे होते हैं तो 2 टी-शर्ट लेके आते हैं, क्योंकि ये पूरा दिन काम कराएंगे। नहीं नहीं, वो तो हाउसकीपिंग तो ठीक है, वो दे आर वर्किंग फॉर मी, मगर जब अंजलि इन्वॉल्व हो जाती है तो उसमें देन इट इज बिट ऑफ अ प्रॉब्लम, क्योंकि उसको यही रहता है कि अच्छा है घर, क्यों ये कर रहा है, क्यों वो कर रहा है, और मेरे से रहा नहीं जाता। मेरी वो आदत है पेंटिंग यहाँ से उधर लगाओ, अगर दीवार ठीक है तो उसको पेंट करके उसका कुछ कलर चेंज कर देते हैं, या कुछ मिरर ग्लास लगा देते हैं, कुछ ना कुछ चालू ही रहता मेरा। यार इतना सब करने की क्या जरूरत है, इतने ब्रांड एंडोर्स करते हैं, उनके पास सब है, पंखा है, लाइट है, पेंटिंग है, उठा उठा के नहीं लाओ लगा दो।